वफाकी सरकार पीटीआई के ऐलानियल एहतजाज के मोड़ने लाए तैयार। इस्लामाबाद में दाखिल बाहर वींदड़ समूरा रस्ता सील, फ्रंट एंटी राइट किट्स सामान पहुंचाया वो। पुलिस एफ सी एहलकार ने पांजी जिम्मेवारी संभाले वरती। वफाकी घर वजारत इंटरनेट की बंदिश बाबत बयान जारी कर छोड़ो। तर्जुमान रुगो सिक्योरिटी खदशन वे इलाकन में इंटरनेट सर्विस बंद कई वी। मुल्क के बेन हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बंद न कई वी। पीटीआई जो एहतजाज साबू बाबू साबू इंटरचेंज से वही नफरी मुकर्र। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज के कंटेनर रखी मुकम्मल तौर बंद कर वो। आम तोड़े खास मानून के मोटरवे जरिए वन की इजाजत ना है। ट्रैफिक रोकने लाइ मोटरवेज के दाखिली रस्तन से कंडेदार तारू लगाई वही। बाबू साबू इंटरचेंज टूल प्लाजा जो बत्तियों कैबिनू बंद कई वही। इस्लामाबाद पुलिस की वफाकी गादी वाले शहर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन तरीके इंसाफ जा 300 का वधिक कारकुन गिरफ्तार। कॉम्बिंग ऑपरेशन में गेस्ट हाउसेस हॉस्टल्स की चेकिंग कई हुई। ऑपरेशन दौरान कराची कंपनी थाने की हदन में 70 पीटीआई कारकुन गिरफ्तार किया वो। कोहिसार थाने की हद में 60, बाराकोह में 20, रमना थाने की हद में 25 पीटीआई कारकुन गिरफ्तार किया वो। खवारजी फितनों पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी करे सके तो। नेक्टा थ्रेट अलर्ट जारी करे छो। खवारजी फितने के दहशतगर्दन की अफगानिस्तान में पाकिस्तान में दाखिल थे जतला। नेशनल काउंटर टेरर अथॉरिटी खतरे के नजर में रखे कदम खड़ ला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आईजीज बेन अमलदारन के खत लिखी छो। जुलूस रैली और धरने की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म से अमल करने जा पाबंद आयो। घर वजीर मोहसिन नकवी पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली खान से फोन से राबतो कर एहतजाज वासे कर छोड़ो। अज का पाकिस्तान के दौरे से इंदड़ बेलारूस के आला सतही वफद की मसरूफियत के हवाले से भी आगाही। मुतालबन की मंजूरी ताई डी चौक से धरणो वेही रहंदासीं। अज पीटीआई बाने की हिदायतों से बाहर निकरणो आहे। असांजो एहतजाज पुरअमन हुंदो। असांजो को नुकसान थियो तो जिम्मेवारी हुकूमत ते हुंदी। खैबर पख्तूनख्वा के वरी वजीर अली अमीन गंडापुर चयो आहे तो संदन पहिरें मुतालबो आहे तो बानी ए गिरफ्तार समूरन कारकुनन के आज़ाद कयो वञे। हू मुतालबन की मंजूरी के लिए हर हद ताई वेंदा। रावलपिंडी में सी टी टी के मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारजी वया। ब फरार सी टी टी तर्जुमान मूजिब गुजे इतलात दहशतगर्दन की गिरफ्तारी लाए कार्रवाई कई। फायरिंग की डेवट में 3 दहशतगर्द पांच साथियों की फायरिंग में मारजी वया। दहशतगर्दन वटा आपघाती जैकेट बम हथियार धमाकेदार मादवत। अहम खबर आए सखर में निगरी से ज्याती की कोशिश वाले मामले में केस दाखिल किया वो है। जवाबदार गिरफ्तार थो है। नवपिंड थाने की हद में यतीम निगरी से मुबैना ज्याती वे वाक़े जो एसएसपी नोटिस वरतो। पुलिस इल्जाम हेठ आयल जवाबदार आजाद उर्फ अजू लेही की गिरफ्तार करे वरतो। यतीम निगरी के तहफुज फरहम करे कानूनी मदद भी कंदासी एसएसपी अमजद शेख जो ये चवण है। सखर में खबर है जिसे निगरी से ज्याती की कोशिश वो मामलो जैमें केस दाखिल जवाबदार गिरफ्तार किया वो। तफसील मालूम कंदासी ससल लाइन ते मौजूद है आवाज न्यूज रिपोर्टर मोरड़ो महर जी। मोरड़ो वधिक छा तफसील आहन आगा कर जी। बिल्कुल निंगरी सा ज्यादती वाले मामले जो एसएसपी सखर जे तरफा नोटिस वठण सा पोए पुलिस कार्रवाई करे इल्जाम आयल जवाबदार के गिरफ्तार कियो वयो आहे। नौपिंड थाने जे हथ में जका पंजो यतीम निंगरी कायनात सा मुबैना तौर ज्यादती जो जो वाक्य है गुजरियल दिहाड़े पेश आयो हो उन वाक्य जो एसएसपी अमजद शेख के तरफा नोटिस वरतो वो है। उनके नोटिस का पुलिस डीएसपी सिटी के अगवाणी में पुलिस कार्रवाई करे इल्जाम आयल जवाबदार आजाद उर्फ इजो के गिरफ्तार करे वरतो है। पुलिस जो चवण है तो वाक्य जो नौपिंड थाने से निंगरी कायनात ज्याती वाले मामले जो है वाक्य जो जवाबदार
आराध रसोईजू के खिलाफ केस भी दाखिल किया है। मुतासिर खानदान जो चवण है तो जवाबदार आराध रसोईजू जो न्याणी के मुसलसिल हिरासा कह रो गुजरियल दिहाड़े उनके घर में दाखिल थी करे न्याणी कायनात से ज्यादती की कोशिश कई है। उन वाक्य के हवाले से एस एस पी अमजद शेख जो चवण है त वो यतीम निगरी कायनात के तहफुज भी फराम कंदा है उनके जेका कानूनी मदद घुर्बल होंगी वह भी उनके फराम कई वेंदी। इन वक्त जो है उन केस में एसपी जवाबदार नामजद जाना वो है जैसे पुलिस के तरफा गिरफ्तार किया वो है पर मुतासिर खानदान की तरफा एस एस पी एवस वन का यह घुर कई है तो जवाबदार दुर्बास है उनके मुकम्मल तौर से तहफुज फराम किया वे। बड़ी मेहरबानी अपडेट करने ला टीओयू इन वक्त आई जो खबरों बड़ी खबरें अपडेट्स ला विजिट कयो असन जी वेबसाइट avastv.tv ऐसा रहो आवाज में।